दोस्तों, मोदी सरकार ने न्यू इंडिया 2022 मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत के 115 पिछड़े जिलों को वो विकसित जिला बनाएगी। खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के भी 8 जिले अविकसित मानकर इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन जो डेटा सामने आ रहा है और जो नाम सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जो संसदीय क्षेत्र है विदिशा, उसे इसमें शामिल किया गया है। यानी भारत सरकार ने यह माना है कि विदिशा मध्य प्रदेश का अति पिछड़ा जिला है। आश्चर्य ढंग से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद हैं नंद कुमार चौहान, उनके संसदीय क्षेत्र खंडवा को भी सरकार ने अति पिछड़ा मान लिया है और न्यू इंडिया 2022 मिशन में शामिल किया है। इसके अलावा बड़वानी, छतरपुर, सिंगरौली, राजगढ़ जिले भी शामिल किए गए हैं। प्रयास अच्छा है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि आदिवासी बहुल झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला जैसे जिले इस सूची में शामिल नहीं है, जो हकीकत में शामिल किए जाने चाहिए थे। साफ जाहिर है कि जो सर्वे हुआ है वो शायद राजनीतिक आधार पर हुआ है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों रुपये का बजट आना है और ये बजट उनके संसदीय क्षेत्र में या उनके विधानसभा क्षेत्र में जो पहले से ही सक्षम है वहाँ पर ये अलॉट किया जाएगा, उसकी खपत की जाएगी। सवाल ये उठता है कि क्या विदिशा अगर इतना पिछड़ा है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, वो आखिर क्या कर रही थी? एक तरह से मोदी सरकार ने उन पर ठप्पा लगा दिया कि दोनों नेताओं ने विदिशा के लिए कुछ नहीं किया है और नंदू भैया ने खंडवा के लिए कुछ नहीं किया है। अब बात अगर हम आंकड़ों की करें तो क्यों झाबुआ अलीराजपुर जिले को इसमें शामिल होना चाहिए था? मेरे पास भारत सरकार के ही हेल्थ सर्वे फेस 4 की एक रिपोर्ट है और इसके अलावा सेंसिस ऑफ इंडिया के डेटा हैं। 2011 की जनगणना की हम बात करें तो अलीराजपुर जिला देश का सबसे निरक्षर जिला घोषित हुआ था। झाबुआ की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, नीचे से दूसरे नंबर पर था। 38% लोग वहाँ पर 2011 की जनगणना में शिक्षित थे। अभी जो लेटेस्ट हेल्थ सर्वे आया है उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं और वो आंकड़े साबित करते हैं कि झाबुआ अलीराजपुर जिले को न्यू इंडिया 2022 में शामिल होना चाहिए था। अब देखिए, हम बात करें अगर संस्थागत प्रसव की तो झाबुआ जिले में 74% महिलाओं का प्रसव संस्थागत होता है, जबकि अलीराजपुर में 50% महिलाओं का संस्थागत प्रसव होता है। कुपोषण के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, जहाँ झाबुआ में 43.61% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वहीं अलीराजपुर में 52.40% बच्चे कुपोषित हैं। स्तनपान की हम अगर बात करें तो झाबुआ जिले में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 74% होने के बावजूद भी जो बच्चा जन्म लेता है उसे सरकारी अस्पताल में मात्र 21% बच्चों को ही अपनी माँ का दूध पहले घंटे में मिल पाता है, जबकि अलीराजपुर में ये 25% का आंकड़ा है। एनीमिया की बात करें तो 15 साल से लेकर 49 साल की जो महिला या किशोरियाँ हैं उनमें झाबुआ जिले में 64% महिलाएं एनेमिक हैं, जबकि अलीराजपुर में ये आंकड़ा 74% का है। टीकाकरण, जिसके लिए मिशन इंद्रधनुष जैसे अभियान चलाए गए हैं, उसकी रिपोर्ट बेहद निराशाजनक है। टीकाकरण में ये आंकड़े सामने आए हैं कि झाबुआ जिले में 12 माह से लेकर 23 माह के बच्चों का सिर्फ 25% बच्चों का टीकाकरण हुआ है, जबकि अलीराजपुर में 22% बच्चों का टीकाकरण हुआ है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो 91% इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उनको गुजरात की ओर रेफर किया जाता है, जबकि झाबुआ और अलीराजपुर सरकार की नज़र में ISO सर्टिफाइड अस्पताल हैं, जहां ट्रामा सेंटर है। सरकार के दावे हैं कि उनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन हकीकत ये है कि झाबुआ में 46% डॉक्टरों की कमी है, जबकि अलीराजपुर में 52% पद खाली पड़े हैं। स्टाफ की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है या अन्य तकनीकी स्टाफ होता है उसके 50% से ज़्यादा पद खाली हैं। एम्बुलेंस कई बार इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ उसमें डीजल नहीं होता या ड्राइवर नहीं मिलता। स्वास्थ्य की स्थिति हमने देखी, शिक्षा के आंकड़े सामने हैं। अलीराजपुर में 318 स्कूल ऐसे हैं जिसमें इसमें ताले लगे हुए हैं, जबकि 4 महीने हो चुके हैं शिक्षा सत्र के। 412 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक टीचर है जो पढ़ा रहा है। शिक्षा की बदहाल तस्वीर है, स्वास्थ्य के आंकड़े हमने सामने दिए, कुपोषण की स्थिति आपके सामने है। अब बिजली की भी हम बात कर लेते हैं। झाबुआ अलीराजपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में 8 से 10 घंटे बिजली मिल पाती है। लोड शेडिंग या बिजली कटौती की समस्या से किसान और ग्रामीण जूझते हैं, और उससे बड़ी समस्या भारी भरकम बिलों की है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है लेकिन बिजली के बिलों का आना जारी है। सड़कों की बात करें तो ग्रामीण सड़कें ओवरलोड रेत के ट्रकों के कारण खत्म हो चुकी हैं, उनमें गड्ढे हो गए हैं। नेशनल हाईवे की बात करें तो जो झाबुआ जिले से नेशनल हाईवे गुजरता है
उसमें पिछले निर्माण के दौरान ही 100 से ज्यादा हादसों में करीबन 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो ये साबित करते हैं कि झाबुआ और अलीराजपुर जिले को मोदी सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है न्यू इंडिया 2022 उस मिशन में शामिल होना चाहिए था। अब दूसरे शब्दों में कहें तो ये या तो झाबुआ अलीराजपुर जिले के पांचों विधायकों की विफलता है कि वो अपने जिले को शामिल नहीं करा पाए, या फिर हम ये कहें कि ये इतने सफल है कि उन्होंने इन पांचों विधायकों ने झाबुआ अलीराजपुर जिले को विकसित कर दिया है, ऐसा मोदी सरकार को लगता है। और सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान अपने विदिशा को उतना विकसित नहीं कर पाए। कुल मिलाकर ये जो सर्वे है या जो सूची जारी हुई है ये विवादित है और साफ संकेत देती है आंकड़ों से और जो जिलों के नाम सामने आए हैं कि इसमें नेताओं के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है। धन्यवाद।